सबसे पहले हमने इसका मोड़े का निशान लगा लिया, उसके बाद में हमने इसका कमर का निशान लगा दिया, फिर तीरे का निशान लगा दिया, फिर दोनों साइड से नीचे तीरे का निशान लगा दिया, फिर छाती के अंदर 4 इंच के लूजिंग डाल दिया, कमर के अंदर 2.5 इंच के लूजिंग डाल दिया और हिप्स के अंदर हमने इसकी 2.5 इंच के लूजिंग डाल दिया। जितनी हिप्स का निशान लगाया उतना ही नीचे घेरे का निशान लगा दिया, कमर से छाती को मिला दिया और छाती से हिप्स को मिला दिया। उसके बाद में इसके आउटलाइन के ऊपर थोड़ा मार्जिन का निशान लगा दिया, इस साइड पर भी मार्जिन का निशान लगा दिया और ये तीरे का निशान लगा दिया, तो 1 इंच का मोड़ा गिरा दिया, 1 इंच के मोड़े के बराबर में से शेप बना दिया इसकी। अभी हम इसकी निशान निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। ये फ्रंट काट दिए, ये इसके बाद के अंदर ये इसके मोड़े की कटिंग कर दिए, फिर इसके मार्जिन के बराबर बराबर से हमने इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद में हमने इसको टुक्के का निशान लगा दिया। उसके बाद में हम इसकी फ्रंट की छटाई कर देंगे। उसके बाद में इसकी लंबाई लाइनिंग की 40 इंच की थी, हमने 42 इंच की काट ली है, तो 2 इंच का इसका मार्जिन का निशान लगा दिया। अभी हमने इसको 1-1 इंच 2-2 इंच का मार्जिन लेकर कटिंग कर दिया।